हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग है तो सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग है तो सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग को आप सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग, तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हाईलाइट हो जाएगी, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से शॉर्टकट ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे टैप स्टाइल कर सकते हैं या वॉल्यूम बटन पर भी सेट कर सकते हैं। तो टैप स्टाइल है तो ऑटोमेटिकली वैसे तो ऑन हो चुका है, तो इसके जरिए आप सेलेक्ट टू स्पीक ऑप्शन को ऑन करके यूज़ कर पाएंगे और साथ में इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा शॉर्टकट का ऑप्शन। इस तरीके से आप सेटिंग पे जाते हैं तो सेलेक्ट टू स्पीक शॉर्टकट सेटिंग्स को यहाँ सेट करते हैं, रीड इन बैकग्राउंड या रीड टेक्स्ट इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से सेट करके। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर, और साथ में ऑप्शन नहीं मिलता था फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाकर भी इसको सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाते ही आपको स्पेशल फंक्शन सेटिंग पे जाकर एक्सेसिबिलिटी को ओपन कर लेना है, जहाँ से आपको सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग्स मिल जाएगी, जहाँ से आप इस तरीके से इसको ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा और सेटिंग्स वगैरह कोई भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेलेक्ट टू स्पीक सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।